महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ महाराज जी, और मेरा एक प्रश्न है। सुख हमेशा बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन दुख को बिना बुलाना नहीं पड़ता है। सुख को बुलाना पड़ता है, दुख बिना बुलाए आ जाते हैं। हाँ महाराज जी, यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया कि उन्होंने कहा कि सारी दुनिया सुख की कामना करती है, पर दुख क्यों आ जाता है? जी सर, हर व्यक्ति क्या चाहता है? सुख। सुखी चाहता है महाराज जी, हमें सुख मिल जाए, पर मिलता क्या है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपार वंबा। यही प्रश्न बिल्कुल विदुर जी ने किया था मैत्रेय जी से। जी महाराज जी, देखो बात ऐसी है कि संसार का नाम है दुखालय। यहाँ जो आएगा उसे दुख मिलेगा। सुख की कामना यदि है, जिसे सुखी होना है, आज मैं एक मूल मंत्र दूंगा आपको सुखी होने का। जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है, वो सुख की कामना छोड़ दे, अपने आप सुखी हो जाएगा। सुख की कामना ही दुख देती है, सुख की इच्छा ही रुलाती है। जी महाराज जी, जैसे आपके पास, जैसे आपके आपको लगा काश मेरे पास भी 1,00,000 रुपए होते, है नहीं होते, अब 1,00,000 होते इसकी इच्छा होती, आप दुखी हो गए। यदि आपके अंदर इच्छा है ही नहीं 1,00,000 की, तो आप सुखी हो गए, कोई चाहत ही नहीं, सुखी हैं आप। तो आपके सुख की इच्छाएं आपको दुखी करती हैं, इसलिए इच्छाएं मत कीजिए। इसलिए कहते हैं भक्ति निष्काम हो, कोई कामना ना। जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में, गुरु माँ के चरणों में, आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मुझे प्रश्न मेरा ये है कि आप कोकिला बन का रहस्य क्या है? कोकिला बन, हाँ, उसका रहस्य क्या है? ये वन जितने भी ब्रजमंडल में हैं, सारे वनों में ठाकुर जी ने कोई ना कोई लीलाएं की हैं। अच्छा। और हर वन का एक अपना महत्व है। किसी वन में भगवान ने मिट्टी खाई, किसी वन में ठाकुर जी ने रास रचाया। ये पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी की रास स्थली है, लीला स्थली है। अच्छा। कहीं गैया चराए, कहीं बछड़े चराए, कहीं ये लीला, कहीं वो लीला। अच्छा। ये सब एक लीला के अंतर्गत ही ये वन आते हैं। अच्छा। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ मथुरा में, और उन्हें गोकुल लाया गया, फिर वहाँ से नंदगांव क्यों ले गए? नहीं, गोकुल लाने के, जो गोकुल और नंदगांव पहले दो नहीं थे, एक ही थे। अच्छा। गोकुल और नंदगांव एक ही थे, ये पूरा ब्रजमंडल, फिर उसके बाद वृंदावन लाए। अच्छा। हाँ, उसके बाद ठाकुर जी को वृंदावन लाए। और एक तो राक्षसों के भय से नंद बाबा यहाँ वहाँ ले जाते रहे कि भाई चलो यहाँ से वहाँ ले जाएं। तो ये सब एक ही था पहले, बाद में फिर जहाँ नंद बाबा रहने लगे उसे नंदगांव बोलने लगे, जहाँ भगवान को लेके गए वो गोकुल हो गया। अच्छा। तो थी सब एक ही चीज़ें, पर जहाँ देखी कि कंस का खतरा ज़्यादा है तो छोड़ के दूसरी जगह बसावट कर ली कि अब वहाँ रहेंगे, ताकि अच्छा, सुरक्षित रहें दुष्ट से। मैं 6 बार आई वृंदावन में, लेकिन अपने माता पिता के, गुरु माँ के दर्शन नहीं हुए, तो हम नाराज रहते हैं। कब होंगे दर्शन? हो जाएंगे। चलो, अभी 17 तारीख तो निकलनी है हमको। खुश रहिए, खुश रहिए।